कैसे आप सब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैंने आपका स्वागत है। क्या हो रहा है? हाँ, मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल में वापस से। तो आज मैं बनाने वाला पेंट्री कोच ऑफ दुरंतो। या पीछे आप देख सकते हो खाली है, क्योंकि मैंने कुछ कोचेस नहीं बनाए कुछ इश्यूज की वजह से। पर अभी मैं पेंट्री कोच बनाऊंगा, उसके बाद सेकेंड एसी बनाऊंगा। तो फिर अभी चलते हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, आप देख लो। मेनली एक्स्ट्रा एक तो ये डिस्पेंसर है, ड्रॉपर है, गॉस्टोन है, और ये है हमारा ऑब्जर्वर, और साथ साथ में कैम फायर और फ्लिंट एंड स्टील भी लेना है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए नीचे टायर, फिर हमें ये पिस्टन, ब्लू स्टोन ब्लॉक, लैडर और ब्लॉक्स बाकी के, फिर बाद में ये ब्लॉक। हाँ ओके, देखा जाए मेनली एक ही ब्लॉक चाहिए क्योंकि बाकी का करने के लिए। ओके, तो मेनली ये 9 ब्लॉक्स चाहिए स्टार्टिंग में। तो फिर मैं वंदे भारत की भी हेल्प लूँगा, 1 2 3। ओके, क्योंकि मैंने वो बाकी के कोचेस नहीं बनाए, इसलिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर लैडर को बाद में लेते हैं, पहले ये स्टील बार्स को ले लेते हैं। तो पेंट्री कोच भी बहुत बड़ा रहेगा, ये वंदे भारत का कुछ बड़ा है तो इसका बड़ा तो हो गई। फिर हमें यहाँ पर ओके, फिर बाद में ओके, फिर बाद में नीचे स्टोन्स डालने, स्टोन से पूरा पैक करना है। आपको पता है मैं हमेशा क्या करता हूँ यहाँ पर। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है आप टेंशन मत लो, मैं उनको बताऊँगा। तो पहले ये स्टोन से कवर करना है, और यहाँ पर ऐसे है ना, ये देखो यहाँ पर दो ब्लॉक छोड़ के, यहाँ पर दो ब्लॉक छोड़ के, और ये हमें टायर लगाए उससे दो ब्लॉक आगे ऐसे ना बनाना है। ओके, तो पीछे भी ऐसे फिल करना है, फिर मैं आपसे बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, बन चुका है, आप देख लो कि ये, मतलब कि मैं बताता हूँ कि कैसे। अरे यार ओके, तो फिर अभी फटाफट जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले एक ब्लू स्टोन ब्लॉक, या फिर आप लीवर भी यूज़ कर सकते हो, बस कैसे भी करके पिस्टन को एक्टिवेट करना है। फिर बाद में मैं यहाँ पर ऐसे एल शेप में बिग एल, या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टोन जो जो नहीं चाहिए मैं ऊपर रख रहा था। स्टोन ब्लॉक नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो मेन लैडर चाहिए, बाथरूम का दरवाज़ा ले लेता हूँ, ये वाला दरवाज़ा भी ले लेता हूँ। और अभी सबसे पहले यहाँ पर ये ऐसे ओके, तो फिर अभी इसको ऊपर रख देते हैं। और नेक्स्ट तो चाहिए इसके ऊपर वाला। ओके, तो फिर यहाँ पर फिर बाद में आपको इस ग्रीन ब्लॉक फैन में ऐसे लेना है, फिर हमें इसको ग्रीन ओके ऐसे करना है। देख लो, मैं वापस दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर सिंगल डालना है, वहाँ पर भी एक ऐसे, फिर हमें यहाँ पर एक ब्लॉक डालना है, इधर भी एक ब्लॉक डालना है, फिर बाद में यहाँ पर डबल डालना है, यहाँ पर भी ऐसे डाल देते हैं, ऐसे करके बस पैक करना है। ओके कंप्लीटेड। तो फिर अभी इसको ऐसे लगाना है, और इसको भी ऐसे लगाना है। ओके, फिर हमें स्टील बार्स, फिर बाद में यहाँ पर ये वही स्टील बार्स, और बीच में यहाँ पर ऐसे रखना है, बीच में दो गैप्स रखने, क्योंकि वो लैम्प भी डालना ही है। फिर बाद में नीचे आके यहाँ पर एक लैडर, फिर बाद में यहाँ पर भी लैडर, और यहाँ पर डोर लगाना है। ओके, फिर बाद में आप मेन देख लो, उस साइड में भी ऐसे ही करना है, पर हल्का सा डिफरेंस है पेंट्री कोच में, कि पेंट्री कोच में ऐसा है कि यहाँ पर है ना पूरी तरह से पैक करना है। एक मिनट, इसमें स्लीपिंग वाला सेक्शन भी होगा ना। ओके, पता नहीं ये कैसे महाराजा वाला लग रहा है। अरे क्या बैरियर ब्लॉक लगा है क्या? ओके, तो फिर ऊपर जाके ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है डार्क ग्रीन, नेक्स्ट लाइट ग्रीन, नेक्स्ट यहाँ पर पूरा लाइट ग्रीन, इधर लाइट ग्रीन से पैक करना है, इधर से भी पैक करना है। इधर उधर ब्लॉक्स क्यों लग रहे हैं?
ओके फिर बाद में अभी यहाँ पर क्या करना है ना, सबसे पहले इसको हाफ कर देते हैं, इतना हाफ। तो कितना कंपार्टमेंट बनेंगी, 3, 1। ओके 2 कंपार्टमेंट्स बनने चाहिए दोस्तों। तो ये मतलब कि हमारा वो बन जाएगा, ये हमारा स्लीपिंग साइड बन जाएगा दोस्तों। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर नॉर्म सिर्फ कोई भी ब्लॉक यूज़ करके डालना है, और यहाँ पर पैकिंग ऐसे डायरेक्ट पैक करना है। ओके तो यहाँ पर दरवाज़ा लगाना है, और उस साइड भी एक दरवाज़ा लगाना है, और इस साइड भी एक दरवाजा लगाना है। ओके टोटली 3 दरवाजे आने चाहिए दोस्तों। ओके फिर बाद में अभी उस साइड चलना है, और फिर बाद में यहाँ पर डार्क ग्रीन से रैंडम बोला था तो पूरा घूम ही गया, रैंडम ब्लॉक्स डालने हैं। मतलब यहाँ पर वॉशरूम के लिए भी छोड़ना नहीं है। ओके तो हो चुका है, फिर हमें वापस डार्क ग्रीन, फिर हमें अभी लाइट ग्रीन, और इस साइड डार्क ग्रीन से पैक कर देते हैं। डार्क ग्रीन, एक मिनट, ऐसी अच्छा, इधर डालना डार्क ग्रीन, इधर डालना है लाइट ग्रीन, और ओके परफेक्ट है। और यहाँ पर पैक करना है, वेल डन। सो मतलब कि यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर पूरी तरह से पैक करना है। तो यहाँ पर वॉकेबल एरिया होगा। अभी इसमें मैं सो के आता हूँ। ओके दोस्तों सबसे पहले है ना वो स्लीपिंग एरिया में पैक कर देता हूँ। तो फिर उसको पैक करने से पहले यहाँ पर ये लगाना है, लैडर हटाना है, ये भी हटाना है, बाथरूम का भी हटाना है। तो अभी लैम्प्स ये लाना है, और साथ साथ में स्लीपिंग बेड भी ले लेते हैं। ओके तो फिर हमें यहाँ पर ऐसे स्लोप डालना है। ओके स्लीपिंग तक ही डालना है, उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये लेते हैं। अरे और हाँ दोस्तों, मैं ना वो थोड़ी सी वाला कोच था ना, उसमें हल्का सा चेंजेस करना है, आपको बताता हूँ। तो फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ओके फिर बाद में यहाँ पर पूरा फिल करना है, पूरी तरह से फिल करना है। ओके तो फिर बाद में यहाँ से ब्लू स्टोन अटैच करना है। तो मतलब कि अभी टेम्पररी के लिए तो मैं ना एक ब्लॉक डाल रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर टेम्पररी के लिए मैं यहाँ पर ब्लॉक डाल रहा हूँ। ओके इसे जाना, ओके परफेक्ट, क्योंकि मतलब कि मुझे टेम्पररी के लिए डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं वो B1 मतलब कि थर्ड AC वाले कोच नहीं बना लेता तो वो होगा नहीं। फिर बाद में यहाँ पर ऐसे हो गया, थोड़ा पैक करना है। ओके परफेक्ट। ओके तो फिर बाहर चलते हैं। ओके अभी लेना डार्क ग्रीन, रैंडम ज़्यादा ही रैंडम आ गया, इस साइड कट तो देता हूँ। ओके फिर हमें अभी डार्क ग्रीन जो खाली है उसके अंदर भरना है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन सॉरी, और साथ साथ में इसको दो तोड़ना है, इसको दो तोड़ना है। यहाँ पर लाइट ब्लू लगा, डार्क ब्लू लगा देना है। अभी उस साइड चलते हैं, 1, 2, 3 एंड रैंडम। ओके अभी लेना लाइट ग्रीन, पूरा फिल करना। अरे यार ओके तो हो चुका है, और अभी कहाँ पर डालना था, मैं ब्लू भूल गया। ओके इस साइड डालना है। ओके यहाँ पर दो टोन है, यहाँ पर दो टोन है, फिर मैंने यहाँ पर ओके परफेक्ट है। तो फिर अभी चलते हैं इस साइड, अभी लेना है हमें ये ग्लास वाला, और ग्लास वाला ऑब्वियस है, 3 कंपार्टमेंट, 1, 2, 3।
वन टू थ्री लगा देना, बीच साइड भी चलना ऐसे ही। ओके हो चुका है इसके, दो चलते हैं अंदर, गिरना नहीं है। ओके अभी तोड़ते हैं इसको, पूरा तोड़ने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके दोस्तों ये अब टूट चुका है, तो फिर अभी यहाँ पर ग्रीन वूल से कंपार्टमेंट बना अलग कर देते हैं। ओके दो कंपार्टमेंट बन चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर भूल गया था कि यहाँ से सोफ़ा भी लेना है, पर इसको सेकंड एसी जैसा बनाना है, या सेकंड एसी जैसा बनाना है। यहाँ पर दो हो गया, और यहाँ सिंगल वाला भी लेना था, सिंगल वाला, और ये हो चुका है सिंगल वाला। और साथ साथ में ये भी लेना है, नीचे जाना है, और ये रहा तो इसको हम ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज वाला नीचे आ जाए, फिर बाद में इसको ऐसे, नहीं नहीं ऐसे, और इस साइड भी ऐसे डालना है, वन एंड टू, और इसको तोड़ देते हैं। यहाँ से इसको ऐसे करना है पैक, और यहाँ पर एक, इस साइड भी ऐसे करना है पैक, और यहाँ पर एक, पहले यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, बहुत प्रॉब्लम पड़ती है बाद में लगाने में। और दोस्तों अभी तो ना वीडियो तो आधा ही हुआ है, इंटीरियर ही हुआ है, अभी तो ना आउटर ईयर, आउटर ईयर क्या होता है, सॉरी अभी तो वो भी है, अभी तो एक, ओके अभी लैडर लिविन लेना है, वन टू थ्री। ओके अभी लगाता हूँ मैं यहाँ पर ऊपर के स्लीपिंग, सॉरी हल्का सा अलग करना है। ओके अभी मैं कहाँ लगा, ओके ओके तो फिर यहाँ पर ऐसे लगाना है, वन टू, ओके फिर बाद में यहाँ पर भी लैडर्स लगाना है। ओके तो हो चुका है, तो दोस्तों यहाँ इंटीरियर बन चुका है, अभी जाते हैं हमारे एक्सटीरियर, मतलब कि कुकिंग साइड में, तो फिर अभी कुकिंग साइड के लिए हाँ, तो फिर इसको एज इट इज़ वैसे ही पैक करना है, तो पैक करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके दोस्तों पैक कर चुका हूँ, तो फिर अभी एक ही चीज़ करनी है बाकी है, जो है हमारा रैंडम, तो फिर रैंडम के लिए ले लेते हैं सारे। ओके परफेक्ट हो चुका है, तो फिर डालते हैं रैंडम, इसको तोड़ना है। ओके तो रैंडम लग चुका है, और रैंडम डाल लेते हैं, ऐसे भी दूरों तो है। ओके तो फिर अभी लेना है लाइट ग्रीन, जो बचा है उसको पैक करना है। ओके हो चुका है, ओके तो इतना हो चुका है, तो फिर इसमें भी इस साइड पूरा फुल करना है, पर इस साइड फुल नहीं करना है, इतना सर है। ओके तो फिर रैंडम करते रहो, ओके दोस्तों यहाँ पर लाइट ग्रीन डालने ओके दोस्तों तो इतना हो चुका है, तो फिर इनमें से इसको तोड़ देते हैं। ओके इतना हो चुका है, फिर बाद में मतलब इतना हो चुका, तो फिर अभी नेक्स्ट साइड भी ऐसे सेम करना है, जंप। ओके मैं भूली गया कि काबर डालना था, फिर से वन टू थ्री फोर। ओके तो फिर अभी चलते इस साइड, तो फिर वन टू
अरे यार ओके दोस्तों, तो मतलब कि वहाँ पर सीटिंग है थ्री। अरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा ग्लिच हो चुका है मेरे गेम में। अरे चाहो नहीं थोड़ा, तो यहाँ पर मतलब कि सीट, तो यहाँ पर सीटिंग के लिए डबल और बाकी का पेंट्री में डबल सिंग ट्रिबल उसमें और इसमें डबल डबल, और यहाँ पर एक सिंगल अकेला डाला है। पर इस साइड ऐसा नहीं करना दोस्तों, इसे सबसे पहले मैं इन दोनों को भर देता हूँ। तो फिर अभी इसको इस साइड दो करना है और फिर बाद में इस साइड दो करना है। पूरा 360 घूम रहा है, एक तो इतना दिमाग खराब। ओके तो फिर अभी चलते हैं अंदर। ओके तो फिर अभी इन सब का ज़रूरत नहीं है। वापस जाओ ऊपर, तुम लोग भी नीचे आ जाओ। लीवर ओके तो आप देख सकते हो ये सेवन चीज़ें सही है। तो भी चलते हैं अंदर। सिटिंग ओनली टू वाला, बाप रे बहुत मिनट का वीडियो हो गया। तो दोस्तों अंदर का तोड़ के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो कैसा करना है ना, तो सबसे पहले ब्लू कोई भी ब्लॉक ले लो और एक ये ग्लास वाला लीवर ऊपर रहने देता है और ये लाइट ग्रीन लेना है। तो यहाँ पर पूरा पैक करना है। इस साइड एक, यहाँ पर दो ब्लॉक और उस साइड सिर्फ एक ब्लॉक। इस साइड इतना पूरा, फिर बाद में ऊपर और नियरली पूरा पैक करना है आधा। पर इसके अंदर ऐसा है कि अरे यार ओके दोस्तों, सो यहाँ पर ऐसे करना है पूरा ऊपर की, अच्छा ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ पूरा ऐसे लाइट ग्रीन सॉरी। ओके फिर हमें यहाँ पर टू ब्लॉक छोड़ के लाइट ग्रीन डालना है। ओके फिर बाद में ऊपर डालना है ग्लास। हाँ ओके सो इसको ऊपर रखते हैं और मेन चीज़ ग्लास की ये भी लेनी है, ये है हमारा माइक्रो पैनल, ये भी ऐसे छोटा छोटा डालना है। ओके तो बाकी का ऊपर। ओके दोस्तों सो अभी अंदर का ये ऐसे तोड़ना है। और यहाँ से छोटू सा गैप है ना, उससे हम देख लेंगे। ओके दोस्तों तो ऐसे करना है कि कैंप फायर कितना आता है, इतना है ना। ओके तो एक ब्लॉक भी लेना है साथ साथ में, कोई भी स्टोन ब्लॉक ले लो। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर रखना है ऊपर ड्रॉपर्स, दो ऐसे ड्रॉपर्स रखने हैं। फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे दो और ड्रॉपर्स, ऑब्जर्वर्स है ना, उसको ऑब्जर्वर्स को ऐसे खड़ा करना है दो बीच में, मैं आपको बताता हूँ। और फिर बाद में और ऑब्जर्वर्स आपको खड़ा करना है यहाँ पर ऐसे के ऐसे पूरे, पता नहीं क्या हो रहा है ये, ऐसे अच्छा लग रहा है। ओके सो नेक्स्ट और फिर में नेक्स्ट यहाँ पर अभी लेना है गो स्टोन और यहाँ पर एल शेप लेना है। और फिर बाद में ये डिस्पेंसरिंग स्टोन ऐसे पूरा ऐसे पैक करना है। फिर बाद में यहाँ से लेना है पूरा का पूरा स्टोन वाला लंबा। फिर बाद में यहाँ पर एक ड्रॉपर खाली प्लेस है, उसके ऊपर यहाँ पर ऑब्जर्वर डालना है, इस साइड डालना है डिस्पेंसरिंग स्टोन और यहाँ पर खाली प्लेस है ना, यहाँ पर सिंक बना देता हूँ। तो सिंक बनाने के लिए मुझे कार्ड डाल देता हूँ। हाँ दोस्तों काट, इसका मुझे रेल ही लेना पड़ेगा। ओके दबा डाल देता हूँ मैं ओके मैं सबसे पहले इसको तोड़ के नीचे का है ना इतनी
चलेगा, ऐसे ही अच्छा है। अरे या फिर मैं बैरल्स ले लेता हूँ ना, छोड़ छोड़ सर, दसो यहाँ पर बैरल्स डाल देते हैं, इससे अच्छा है ना बैरल्स, सुपर लगेगा बैरल्स। पता नहीं किधर होगा ये बैरल्स, बैरल बैरल एक और बैरल, और इसके अंदर भरने के लिए लेना है वाटर बकेट, इसको आधा भरना है, फुल भरना है, हल्का सा ही भरना है, ये देखो एकदम हल्का सा भरना है। ओके तो इसका हो चुका है, इसमें भर नहीं भर गया। ओके तो फिर बाद में यहाँ पर दो जगह कैंप फायर लगानी है, नीचे की तरफ दो ली। या क्या हो रहा है, अरे फिर बाद में यहाँ पर लीवर्स लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ निल्टन से ऐसे चालू कर दो इसको। हाँ परफेक्ट है। ओके यहाँ पर पूरा कटिंग वाला हो जाएगा एरिया, तो दोस्तों हो चुका है, क्योंकि अभी बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और अभी मिलते हैं इस A2 वाले कोच में, मतलब कि सेकेंड AC वाले कोच में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।